हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आप सब लोग आई होप लोगों ने नेशनल इनकम का पार्ट वन, पार्ट देख लिया होगा जो पूरी तरीके से थ्योरी था ऐसा नहीं कि थ्योरी खत्म हो गई अभी आगे और थ्योरी है क्लास मैं पूरे यूनिट को क्लास एक ही लेके चल रहा हूँ नेशनल इनकम लगभग दस पार्ट्स के अंदर इसको मैं खत्म करूंगा आज पार्ट नंबर थ्री है और आज से हम लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे थोड़ा थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी समझते चले जाएंगे लगभग तीन से पांच नंबर तक का यानी चार पांच नंबर तक का न्यूमेरिकल आई जाता है एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से तो आज हम बेसिक सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना पूरा अच्छे से समझना नोटबुक में नोट भी करते रहना बेसिक फॉर्मूले ऑफ कन्वर्जन न्यूमेरिकल की ये शुरुआत है बिल्कुल जीरो से बेसिक से न्यूमेरिकल्स को समझेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्लास कई बार एक क्वेश्चन तीन और एक क्वेश्चन एक या चार और एक या खाली चार या खाली तीन का पूछ लिया जाता है मतलब कम कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा पांच नंबर तक तो क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जामिनेशन में वेटेज ही नेशनल इनकम का टेन मार्क्स का है तो लगभग चार पांच नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और उसकी बेसिक शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं ध्यान से अच्छे से क्लास समझना सबसे पहले क्लास आप अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखते चले जाना इसमें बहुत सारे फॉर्मुले हैं लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कन्वर्जन

और दूसरा है क्लास आपका जी डी पी एफ सी बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है दूसरा है एन डी पी एम पी और फिर है क्लास आपका एन डी पी एफ सी ठीक है फिर तीसरा है एन एन पी एम पी फिर अगला है क्लास एन एन पी एफ सी ओके अच्छा फिर है क्लास जी एन पी एम पी और देन है क्लास जी एन पी एफ सी जी एन पी एफ सी एक क्लास सबका मतलब समझते हैं ठीक है और फिर हम चलेंगे क्लास फॉर्मुले पे जो फॉर्मुला बनाना सिखाऊंगा रटवा रट्टा नहीं लगवाऊंगा सिखाऊंगा फॉर्मुला कैसे बनाते हैं और कॉपी पे घर पे बना जरूर लेना यार इसके बिना मैं बार बार बोल रहा हूँ आगे के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अराउंड ट्वेंटी सॉरी थर्टी क्वेश्चन अराउंड में कराने वाला हूँ आगे चल के ठीक है देखो पहला लेटर या तो जी होगा या तो एन होगा जी फॉर होता है ग्रॉस एन फॉर होता है नेट ठीक है ग्रॉस और नेट और थोड़ा सा डिफरेंस समझा ग्रॉस का मतलब टोटल सारा वेस्टेज घटाकर जो बचता है क्लास वो नेट जैसे आपके घर में मटर आता हुआ है ना मटर हरी मटर आपने जरूर देखा होगा आपके पापा आप एक किलो लेके आते हैं लेकिन मटर छीलने के बाद जो मिलता है क्लास आपको वो लगभग आधा किलो छह सौ ग्राम ही मिलेगा तो वो नेट है सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी आपकी लगेगी मान लो महीने का अस्सी हजार लेकिन कटकुट की जो मिलेगा नेट सैलरी वो मान लो पचास साठ हजार मिलेगा तो नेट मतलब सब कुछ काट कुटने के बाद ठीक है दूसरा है क्लास डी और एन डी फॉर होता है डोमेस्टिक यानी देश के अंदर और एन फॉर नेशनल मतलब देश के अंदर का प्लस देश के बाहर जो हमारी चीजें हैं वो भी ठीक है अगर है क्लास एम पी एम पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस इस पेन जो मैं लिख रहा हूं क्लास इसका एक मार्केट प्राइस है मान लो सौ रुपए लेकिन क्लास उसके जो फैक्टर कॉस्ट है यानी जो लगा लागत इसके अंदर लगी है वो मान लो सत्तर है तो उसको बोलते हैं क्लास ये ध्यान रखना तो पहला लेटर हमेशा ग्रॉस या नेट होगा दूसरा अल्फाबेट हमेशा डोमेस्टिक या नेशनल होगा तीसरा एमपी तो हो मतलब मार्केट प्राइस एफ सी मतलब factor, पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं फिर थोड़ा सा धीरे धीरे हम चैप्टर आगे चलेगा ना इसका मतलब भी समझते चले जाएंगे क्या मतलब जी डी पी एमपी

नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पहला अल्फाबेट नेट या ग्रोसी होगा दूसरा अल्फाबेट नेशनल या डोमेस्टिक होगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है तो ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए किसी का भी पढ़ो तो आपको फॉर्म पता होना चाहिए और एक खास बात पता होना चाहिए क्या ये जो एन है इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम ठीक है एन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं डी फॉर डोमेस्टिक और एन एन पी एफ सी एन फॉर नेशनल इसीलिए क्लास को क्या बोलते हैं नेशनल इनकम कल को कोई सवाल पूछेगा आपसे कैलकुलेट नेशनल इनकम तो आप एन एन पी एफ सी ही कैलकुलेट करोगे कोई पूछेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम तो आप एनडीपीएफसी ही कैलकुलेट करोगे और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा बट एनडीपीएफसी यानी कि क्लास डोमेस्टिक इनकम एन एन पी एफ सी यानी कि नेशनल इनकम। तो ये हो क्लास आपके पास आठ आठ आपको पता है इन आठ में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर क्लास क्वेश्चन में गिवन होगा ना तो बाकी सातों कंपोनेंट आप आराम से चुटकियों में निकाल सकते हो अगर कोई भी एक कंपोनेंट क्वेश्चन में गिवन होगा तो तक समझ आया ग्रॉस पहला ग्रॉस नेशनल तो है हमारे देश के अंदर उसकी मार्केट प्राइस क्या है उसकी कॉस्ट क्या है ठीक है सुई से लेकर जहां तक जितना भी सामान बन रहा है उसकी मार्केट प्राइस क्या है जीडीपीएमपी और फैक्टर कॉस्ट क्या है जीडीपी ठीक है डिटेल में आगे चलेंगे धीरे धीरे बट हाँ ये अच्छे से लिख लो ये बेसिक टर्म्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आएंगे यूज होंगे तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए अच्छा सर आपने बोला कोई भी एक कंपोनेंट गिवन होगा तो हम दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हैं देश के जितने भी लोग हैं ना देश के अंदर जितनी भी जनता है सबकी इनकम को जब जोड़ देते हैं ना तो उसी को बोलते हैं क्लास नेशन इनकम नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है और जब एनडीपीएफसी है तो वो है क्लास आपका डोमेस्टिक इनकम तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है क्लास डी और एन डोमेस्टिक और नेशनल बाकी चीजें क्या है सेम है तो आओ देखते हैं कैसे अगर हमें एक चीज गिवन हो तो उससे हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं इस चीज को जानने के लिए ना बेसिक कन्वर्जन के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मुले ऑफ कन्वर्जन कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले लिखता हूं क्लास में यहाँ पे ग्रॉस ठीक है और दूसरा है क्लास यहाँ पे नेट ठीक है तो ग्रॉस से नेट में और नेट से ग्रॉस में देखो तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन ध्यान रखना अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रेशिएशन ध्यान रखना ग्रॉस बड़ा होता है नेट छोटा होता है तो ग्रॉस में से डेप्रेशन घटा देंगे तो नेट आ जाएगा और उसी तरीके से नेट में डेपरीशियेशन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्लास ग्रॉस आ जाएगा तो ग्रो... ये आपको याद रखना है ग्रॉस से नेट में माइनस डेप नेट से ग्रॉस में प्लस डेप ग्रॉस से नेट में माइनस डेप नेट से ग्रॉस में प्लस डेप ये बिल्कुल मत भूलना सर डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल, ठीक है? Capital, है, है है क्या कहते हैं क्लास? कंजप्शन कंजप्शन ऑफ़ यानी जो जो उसका आपने जो किया है वो, यह इसका एक और नाम है, होगा अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कल को लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर ये सब डेप्रिशिएट होंगी तो इसके लिए क्लास एक पैसा जोड़ा जाता है ताकि इसको हम लोग रिप्लेस कर सके दैट इज कॉल्ड एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डेप्रिशिएशन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एक ही नाम है इसके ठीक है याद हो गया आपको ग्रॉस से नेट माइनस डेप नेट से ग्रॉस प्लस डेप ग्रॉस से ग्रॉस से नेट माइनस डेप नेट से ग्रॉस प्लस डेप डेप का दूसरा नाम क्या है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ठीक है अच्छा आपको एक और छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ दस करोड़ की और वो दस साल चलेगी तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना क्लास आएगा एक करोड़ रुपए तो पता है ना इलेवंथ में पढ़ा होगा मैं फिर भी बता दे रहा हूँ दस करोड़ रुपए की एसेट है दस साल चलेगी तो हर साल जो डेप लाएगा वो कितना लगेगा क्लास एक करोड़ हर साल जो वैल्यू कम होगी उसकी वो एक करोड़ कम होगी दूसरा नेशनल और डोमेस्टिक हमेशा ध्यान रखना क्लास नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है डोमेस्टिक का मतलब क्या है इंडिया के जो मैप है ना इंडिया का जो मैप है उस मैप के अंदर की सारी चीजें जिसको क्लास हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक लेकिन इंडिया का कुछ एरिया अमेरिका में भी है चाइना में भी है पाकिस्तान में भी है इंग्लैंड में भी है रशिया में भी है तो उस सब एरिया को मिलाकर क्या बोलते हैं नेशनल तो बड़ा कौन है नेशनल नेशनल मतलब हमारे देश के भी और बाहर का भी और डोमेस्टिक मतलब सिर्फ हमारे देश का ठीक है उसको बोलते हैं नेशनल जब हम बाहर का भी काउंट करते हैं तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एन एफ आई ए और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एन एफ आई ए सर एन एफ आई ए क्या होता है सुनो नेशनल बड़ा है तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एन एफ आई ए बड़े से छोटे में लिए से बड़े में आने के लिए प्लस लेफ्ट साइड हमेशा बड़ा है एन एफ आई है क्या होता है क्लास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखो सुना मेरी बात हम लोग इंडियन से हम लोगों ने अमेरिका से मान लो सौ कमाया उसको बोलते हैं फीफा फैक्टर इनकम

Uh, कुछ बातें मैं यहां पे क्लास लिखवा रहा हूं आप हमेशा ध्यान रखना ये लिख लो एन एफ आई ए अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है फीफा बड़ा है फीटा से और इस सिचुएशन में एन एफ आई ए पॉजिटिव है इस सिचुएशन में नेशनल बड़ा होगा क्लास किससे डोमेस्टिक से ये बातें बहुत ध्यान रखना एम में कितना ही घुमा के पूछ ले इससे बाहर जा ही नहीं सकता अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बड़ा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हंड्रेड है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड सेवेंटी है तो एन एफ आई ये थर्टी आ गया एन एफ आई ये प्लस का थर्टी है ना एन एफ आई क्या है क्लास प्लस का थर्टी है तो उस सिचुएशन में हमेशा नेशनल बड़ा होगा और डोमेस्टिक छोटा होगा एक्चुअली डोमेस्टिक छोटा ही इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर ये तीस रुपए की इनकम इंक्लूड नहीं है हमने देश के अंदर से जो पैसा कमाया है डोमेस्टिक के अंदर वो इंक्लूड है लेकिन यहाँ पे जो नेशनल है इसके अंदर क्लास ये तीस भी इंक्लूड है नेशनल के अंदर बाहर से कमाया हुआ इनकम जो है नेट वो भी इंक्लूड है इसीलिए डोमेस्टिक जो है छोटा है और नेशनल क्या है बड़ा है बट इन केस इन केस ऐसा हो जाता है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बड़ा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना वो बड़ा है मतलब कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो है सेवेंटी और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो हंड्रेड है तो इसका मतलब एन एफ आई ए नेगेटिव आ जाएगा फिर एन एफ आई ए माइनस थर्टी आ गया तो इस सिचुएशन में क्लास एन एफ आई ए क्या होता है माइनस होगा अगर एन एफ आई ए माइनस है इट मीन्स कि जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है वो बड़ा है फैक्टर इनकम फ्रॉम्राउ छोटा है और एन एफ आई अगर माइनस है तो उस सिचुएशन में जो डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक है वो बड़ा होगा क्लास किससे नेशनल से तो ध्यान रखना एन एफ अगर नॉर्मल बात करें एन एफ आई ए पॉजिटिव है तो नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है बट एन एफ आई अगर नेगेटिव है तो फिर उल्टा हो जाएगा डोमेस्टिक बड़ा और नेशनल छोटा ठीक है ऑब्वियसली क्लास आमतौर अगर देखें आमतौर तो पर अगर देखें तो ये बड़ा होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर बट एन एफ आई खुद एक माइनस का फिगर है तो फिर ये बड़ा थोड़ी होगा फिर तो ये बड़ा होगा मेरी बात समझ रहे हो तो ये बड़ा होगा तो ये हो गया क्लास आपका नेशनल डोमेस्टिक माइनस एन एफ आई ए डोमेस्टिक सेन एफ आई एन एफ आई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम्रॉडी माइनस इनकम टू अब्रॉड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एफ फॉर होता है फ्रॉम और टी फॉर होता है ठीक है तीसरा है क्लास आपका भी कई सारा सवाल बनाएंगे डोंट वरी एम पी यानी कि मार्केट प्राइस एफ सी यानी कि फैक्टर कॉस्ट लिख लाइट एम पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस एफ सी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट ये बहुत बेसिक है अगर आपको ये नहीं आता आगे नहीं चल पाएगा चैप्टर बहुत अच्छे से याद रखना ग्रॉस से नेट माइनस डेप नेट से ग्रॉस प्लस डेप नेशनल डोमेस्टिक माइनस एन एफ आई ए डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एन एफ आई एम पी से एफ सी माइनस एन आई टी और एफ सी से एम पी में आएगा प्लस एन आई टी एन आई टी क्या होता है क्लास नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी सरकार टैक्सेस से पैसा कमाती है और सब्सिडी सरकार खर्च करती है गरीबों से गरीबों को सब्सिडी दिया जाता है अमीरों से टैक्स वसूला जाता है तो इंडायरेक्ट टैक्स क्लस प्लस सब्सिडीज माइनस तो उसको बोलते हैं क्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस अब अगर आपको इंडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया गया हो अगर आपको इंड टैक्स नहीं दिया गया हो तो उस सिचुएशन में जीएसटी प्लस कस्टम ड्यूटी इन दोनों का आप ऐड कर दोगे एक्चुअली क्या है पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स होते थे जिसको हम लोग बोलते थे इंडायरेक्ट लेकिन अब सारे टैक्स को मर्ज करके जीएसटी कर दिया गया है तो गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म लिखा होता है गुड्स एंड टैक्स और कस्टम ड्यूटी ये क्लास आपका इंडायरेक्ट टैक्स है एक नोट आप लिख सकते हो क्लास छोटा सा नोट आप लिख सकते हो जो आपको मे बी कभी काम आ जाए कॉरपोरेट टैक्स कॉरपोरेट टैक्स और एंड इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स ठीक है और भी होते हैं बट यहाँ पे क्वेश्चन फसाता है कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स जो कॉरपोरेट टैक्स है और जो इनकम टैक्स है ना, क्लास, वो आपका क्या है डायरेक्ट टैक्स है वो इन टैक्स नहीं है तो कभी गलती से भी कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स लिखा है तो आप उसे इंडरेट टैक्स में कंसिडर मत करना इग्नोर करना इंडरे टैक्स के अंदर जीएसटी होगा कस्टम होगा

जो है यहाँ समझना एक बात और सब चीज लिखते चलो कॉपी में एन को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम और एन को हम बोलते हैं नेशनल इनकम ठीक है और इन जनरल नेशनल इनकम बड़ा होता है डोमेस्टिक इनकम छोटा होता है क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है क्लास एन एफ आई ए भाई एन एन सेम है डोमेस्टिक और नेशनल यही तो डिफरेंस है पीपी सेम है एफ सी सेम है तो इन दोनों का जो बीच का गैप है वो है एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एन यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अब अगर एन पॉजिटिव है अगर एन पॉजिटिव है तो इस सिचुएशन में नेशनल इनकम बड़ा है डोमेस्टिक इनकम से लेकिन अगर एन नेगेटिव है फिर उल्टा है फिर डोमेस्टिक जो है बड़ा है नेशनल ये हमने पहले भी लिखा था ये पहले भी यही चीज सेम लिखी थी तो एन एफ आई ए पर डिपेंड करता है।, अगर A है तो फिर जो है इनकम बड़ा है डोमेस्टिक इनकम से अगर माइनस में है तो डोमेस्टिक इनकम बड़ा है नेशनल इनकम से इन जनरल बड़ा होता है क्योंकि इन जनरल हम किसी फिगर को नेगेटिव नहीं मानते पॉजिटिव ही मानते हैं तो एन एफ आई ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है अमेरिका वालों ने या बाहर कंट्री वालों ने हमसे कितना कमाया और हमने बाहर कंट्री से कितना कमाया उस पर डिपेंड करता है ठीक है ये चीजें क्लास. आपको अच्छे से लर्न करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा प्लीज स्टार बना लेना इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन के ऊपर और आपको एक कॉम्पोनेंट पता है ना तो आप कन्वर्ट करके कोई भी कॉम्पोनेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो तो मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना क्या है जीडीपी एम पी और फिर निकालना है जी एन पी एम पी तो एक कॉम्पोनेंट गिवन भी होता है आपको एनडीपीएफ सी अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कैसे तुम्हें करना होता है आप इन क्वेश्चन को अपने आप भी बनाना और आप चाहो तो अपने आप भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हो कन्वर्जन का सेम ये क्वेश्चन क्लास आता नहीं है एग्जामिनेशन में लेकिन हाँ ये क्वेश्चन एक नंबर में बन सकता है छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं इसके बिना लाइक प्लस माइनस नहीं आते आपको तो आप अकाउंट्स नहीं सॉल्व कर सकते ना लेकिन प्लस माइनस थोड़ी अकाउंट्स के पेपर में आता है तो वही चीज़ें ये बेसिक है समझ लो अगर आपको ये नहीं आता तो आप आगे सवाल नहीं बना सकते कोई भी ठीक है अच्छा आपको निकालना क्या है जी डी जो भी निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो जी डी गिवन क्या है क्लास एन डी पी एफ सी एन डी पी एफ सी मेरी बात ध्यान समझना जो भी तुम्हें कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट में रखो और जो भी गिवन होता है क्लास वो राइट में ये बात ध्यान रखना ये पैटर्न है सवाल को लिखा ऐसे ही जाता है आपको निकालना क्या है जी और गिवन क्या है क्लास एनडीपीएफसी तो जो तुम्हें गिवन है वो राइट हैंड साइड रखो वट इज गिवन क्लास पुट ऑन राइट साइड और वट इज रिक्वायर्ड पुट ऑन लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पर रख दो जो तुम्हें क्लास निकालना है और जो दिया हुआ है वो राइट साइड अब चक्की जैसे चक्की पीसते हैं ना क्लास क्लॉकवाइज घड़ी जैसे चलती है घड़ी उसी तरीके से क्लॉकवाइज कंपेयर करना है इसके पहले अल्फाबेट को इसके पहले अल्फाबेट से ठीक है यहां से निकले हो तो ग्रॉस से सॉरी नेट से ग्रॉस में तो फॉर्मूला आपको पता है क्लास नेट से ग्रॉस में नेट से ग्रॉस में ठीक है ये ये ऊपर वाले के लिए यहां के लिए क्या है नेट से ग्रॉस

पी से हमेशा प्रोडक्ट है उसमें तो कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है पी 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 दोनों हमेशा प्रोडक्ट होता है अब ये एफ है एफ से एम में ऐसे क्लॉकवाइज एफ से एम में एफ से एम में देखो जरा ये एफ सी एफ सी से एम पी में प्लस एन आई टी तो यहाँ प्लस कर दो एन आई टी प्लस नेट इंडेक्ट टैक्स अब पेपर में क्या होता है ऑप्शन में कैसा आता है ऐसी क्लास ऐसे तीन चार ऑप्शन दे देगा किसी का प्लस किसी का माइनस बोलेगा बताओ कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है या फिर क्लास क्लास आपसे पूछ लेगा तो ये आपको फॉर्मूला बनाना आ गया फॉर्मूला मेकिंग सिखा दिया मैंने आपको कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं ठीक है तो आई होप क्लास ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है पेपर में ऐसे क्लास अनलाइनिंग नहीं करते पेपर में तो बस ऐसा

एन नहीं दिया जल्दी मत शॉर्टकट मत अपना एन नहीं दिया तो ये ले लो ऐसा नहीं एन नहीं दिया तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे आई टी माइनस सब्सिडी और फॉमूला पूरा लगाना है आई भी नहीं दिया है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या आई है माइनस सब्सिडी दो है ठीक है तो सौ में से दोस्तों माइनस का सौ आ जाएगा चार हजार प्लस एक पाँच हज़ार फिर माइनस का सौ यानी कि चार हजार नौ सौ करोड़ सारे फिगर करोड़ में है ठीक है यहाँ लिखा नहीं है बट एग्जामिनेशन में लिखा रहता है तो आप करोड़ भी लगा देना नहीं लिखा तो कोई बात ही नहीं है फिर चार हजार नौ सौ सिंपल ये आ गया हमारा पहला आंसर तो जीडीपी एमपी निकाल लिया हमने किससे एनडीपी एफ ये तो हो गया सर इसका आंसर आ गया अब हमें दूसरा निकालना जीएनपी एमपी हमें निकालना क्या है जो जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड निकालना क्या है जीएनपी एमपी लेफ्ट हैंड साइड गिवन क्या है गिवन सर ये भी है और जी डी एमपी भी गिवन है किससे निकालना है किसी से भी निकाल दो आंसर सेम आएगा तो मैं सबसे पहले जी डी एमपी से निकालता हूं यहां रखता हूं क्लास जीडीपी एम पी ग्रॉस से ग्रॉस सेम है डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एन एफ आई है देख लेना क्लास अभी अभी में लिखा था ना देखो डोमेस्टिक से नेशनल प्लस सेम सेम है है बस खत्म तो अगर मैं इससे निकालता हूँ ना एक स्टेप में ही हो गया तो जीडीपीएम कितना गिवन है चार हजार नौ सो ये निकाला है तुमने अभी अभी निकाला है चार हजार नौ सो ठीक है प्लस एन एफ आई है ढूंढो सर नहीं गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट गिवन तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड

दूसरे तरीके से निकालू कैसे मुझे निकालना क्या था क्लास जी एन पी एम पी मुझे निकालना क्या है क्लास जी एन पी एम पी और अब लोग गिवन है एनडीपीएफसी सी गिवन है एनडीपीएफसी सी नेट से ग्रॉस में जाने के लिए नेट छोटा होता है डैप ऐड कर देंगे डोमेस्टिक से नेशनल

फोर थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड प्लस टू फिफ्टी माइनस का हंड्रेड फाइव वन फाइव जीरो तो आप चेक करो कि मेरा ये और पहले भी सेम आ रहा था फर्क क्या है यहाँ थोड़ा लंबा स्टेप हो गया यहाँ थोड़ा छोटा स्टेप हो गया तो so, सर पता कैसे चलेगा कि सेल बनाना है तो जो मिलते जुलते नाम लगे लाइक निकालना क्या था जी एन पी एम पी और ये क्या है जी डी पी एम पी मिलता जुलता नाम है तो कन्वर्ट कम करना पड़ेगा ये बिल्कुल अलग था NDPFC, निकालना था GNPMP, दोनों अलग कंटेक्स्ट में थे। निकालो किसी से भी एक दो एक अलग अपनी कॉपी में एक नोट डालो सब लोग लिखना स्मार्ट नोट बनना जो बोल रहा हूँ लिखना जरूर ठीक है लिखना कि हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है लिखो क्लास इस बात को मस्ट रीड क्वेश्चन Clearly. Question को क्लास हमे, हमें क्लियरली क्लास हमें रीड करना है ध्यान रखना क्वेश्चन को हमें clearly read करना है यानी कि क्वेश्चन को अगर आपने जल्दीबाजी में पढ़ा तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत तो क्वेश्चन को बहुत ढंग से अच्छे से क्लास आपको रीड करना पड़ेगा राइट चलो ऐसे एक क्वेश्चन में सामने है निकालना क्या है जीएनपीएफसी जो निकालना है लेफ्ट में रखो गिवन क्या है नेशनल इनकम जब मैं बोलता हूँ नेशनल इनकम तो एन एन पी एफ सी क्या पता कभी तुम्हें नेशनल इनकम ही दिया हो तो जो दिया हुआ है वो नेशनल इनकम है यानी कि एन एन पी एफ सी इज गिवन तो एन एन पी एफ सी प्लस दिया हुआ है निकालना क्या है जी एन पी एफ सी नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीशन नेट छोटा होता है डेप डेपैड करेंगे नेशनल नेशनल सेम है अरे पीपी सेम है एफ सी एफ सी सेम है ये तो बहुत ही आसान हो गया इससे आसान क्या ही होगा डेप्रिसिएशन मतलब कंडीशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ गया आपका टू हंड्रेड सिक्सटी पहला तो आपका ऐसे ही निकल गया एन एन बस ग्रॉस और नेट का फर्क था हो गया दूसरा आपको निकालना है एनडीपीएम क्या निकालना है एन अब सुनना अब तुम इसको जीएनपीएफसी से भी निकाल सकते हो एनएनपीएफसी से भी मर्जी तुम्हारी है मैं इसको एनएनपीएफसी से निकाल लेता हूं एन एन सी में नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करते हैं क्लास नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है तो माइनस करोगे एन एफ आई नेशनल से डोमेस्टिक देखो ना येरा नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एन ठीक है और पी पी सी में एफ सी से एम पी में आने के लिए करोगे प्लस एन आई टी एफ सी से एम पी में आने के लिए प्लस एन आई टी एन एन सी में नेट नेट नेशनल डोमेस्टिक माइनस एन एफ आई एफ सी से एम पी प्लस एन आई टी ठीक है तो अब एन एन पी एफ सी कितना गिवन है क्लास आपको टू हंड्रेड फिफ्टी माइनस एन एफ आई ए नेट फैक्टर अब अब यहाँ पे क्लास बहुत अच्छे से समझना यहाँ आप गलती करोगे क्योंकि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे नहीं मुझे पता है ढंग से पढ़ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है already net दिया हुआ है, तो तुम्हें से से कोई लेना देना नहीं है. Major बच्चे 75 में से 25 को क्यों भाई? ये factor income from abroad थोड़ी भैया एन एफ आई का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस यही गिवन है तो तुम इन दोनों को क्यों हो? तुमको already net given है, तो net है 75, 75 ही लेना है प्लस एनआईटी नेट इन टैक्सेस तो उसको होता है Indirect tax, Less Subsidy. तो इसमें है Indirect tax, 125, और Subsidy तुम्हें गिवन है और तुम्हें थर्टी बेटा तुम्हें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेना है बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी इज अ डायरेक्ट टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स है तो ये हो गया टू फिफ्टी टू फिफ्टी माइनस सेवेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव माइनस का थर्टी ये आ गया टू हंड्रेड सेवेंटी ये आपका आंसर आगा टू सेवेंटी और आप चाहे चाहते तो क्लास इसी एनडीपीएम पी को आपको निकालना क्या है एनडीपीएम पी इसको तुम इससे भी निकाल सकते थे GNP FC जी एन पी एफ सी से मर्जी तुम्हारी आंसर सेम आएगा ग्रॉस से नेट माइनस डेप नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एन एफ आई एफ सी से एम पी में आएंगे प्लस एन आई टी और जी एन पी एफ सी कितना आया टू सिक्सटी माइनस डेप्रिशन कितना है टेन माइनस एन एफ आई ए ऑलरेडी सेवेंटी फाइव दिया हुआ है प्लस एन आई टी तो इंडरेक्ट टैक्स कितना है क्लास 125 ट्वेंटी फाइव सब्सिडी है ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी थर्टी सॉरी वन ट्वेंटी फाइव माइनस का थर्टी तो ये कितना आएगा टू सिक्सटी माइनस टेन या आएगा टू फिफ्टी फिर माइनस करोगे सेवेंटी फाइव प्लस करोगे वन ट्वेंटी फाइव माइनस करोगे थर्टी टू सेवेंटी तो कैसे भी कर लो क्लास आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली और बहुत सही से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो आई होप क्लास आप लोगों का अच्छे से ये कन्वर्जन करना आ गया होगा अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद है और क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो कई बार क्या होता है एन कई बार क्या होता है बताता हूँ क्लास आपको देखो एन आई टी का फॉर्मूला क्या है आई टी माइनस सब्सिडी अब होता क्या है आपको ये गिवन है और ये भी गिवन है तो भैया तुम्हें से क्यों चाहिए तुमको तो एन आई टी ही गिवन है नेट इंड टैक्स ही गिवन है तो जिसका फॉर्मूला खुद ही आई टी माइनस सब्सिडी है तो तुम क्यों देख रहे हो आई टी को और क्यों देख रहे हो सब्सिडी को इसको देखना ही नहीं है ये दोनों घटाना है ठीक है तो, है। तो ये दोबारा एक बार अपने आप प्रैक्टिस करना, लिक लिक के लर्न करना चलो तो आज यहीं पे एंड करते हैं बेसिक फॉर्मुला सिखा दिया आगे मैं क्लास चल के बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करा रहा हूँ फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो आपको आधा घंटा ही घर पे बस देना है प्रॉपरली अगर आप आधा घंटा भी सीरियसली दे रहे हो मेरी क्लास को और यहाँ पे आधे घंटे की एक वीडियो देख रहे हो एक घंटे में क्लास सितंबर एंड तक सारा सिलेबस डेली एक घंटा देते चले जाओ बस डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पे भी दोगे तो भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो पढ़ाई से खुद को अलग मत करो डिटैच मत करो जुड़े रहो थोड़ा पढ़ते रहो अच्छा कॉलेज मिलेगा सी में भी अच्छे नंबर आएंगे क्लास और ये पढ़ाई आगे बहुत काम आने वाले तो प्लीज शुरू से पढ़ो लास्ट में वेट मत करो एग्जामिनेशन के चार दिन पहले का ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ के समझ के आना अच्छे लगी वीडियो लाइक जरूर करना the next video will then take care bye bye